फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 22 फंदे में दो कलर से स्टार शेप में डोरमेट बनाए हैं। तो हमने अभी सिलाई नहीं किया है इसको, और ये हमने 5 स्टार में बनाया है 5 स्टार का। तो हमारी ये 4 कली बन गई है, 5वीं कली हम आपको बताते हैं। ये अलग अलग ऐसे पार्ट रहेंगे और हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से बताते हैं फ्रेंड, हम 16 फंदे का इसको बनाए हैं। तो हम 16 फंदे डाल के दिखाएंगे। ये हमारी ये 5 नंबर की सिलाई है, आप डबल ऊन से भी कैसे भी बना सकते हैं। दो देखना फ्रेंड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हो गए फ्रेंड। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे हो गए फ्रेंड। तो हम यहाँ से एक एक फंदा इसी हिसाब से, ये देखिए 14 फंदे हम बुन लेंगे फ्रेंड, और 2 फंदे लास्ट के हम छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 14 फंदे बुन लिए हैं और ये 2 लास्ट के बाकी हैं। तो ये अंदर का रहेगा फ्रेंड और वो आगे का आएगा। तो हम बाकी फंदे 14 वापस इसको बुन लेंगे एक एक फंदे करके। और 6 कली का अगर बनाना है, ये जैसे मैंने पीला और नीला का बनाया है, तो इसके लिए दोस्तों 3-3 फंदे छोड़ने पड़ेंगे। जो हमने 2 फंदे छोड़ा है 5 स्टार वाले में, वो 6 स्टार वाले में हमें 3-3 छोड़ने पड़ेंगे। देखिए लास्ट का हमने यहाँ से ऐसे फंदे उतारने से एकदम सफाई से आएगा फ्रंट यहाँ पे अच्छे से। बाकी ऐसे ही हम पूरी कली तैयार करेंगे 2-2 फंदे छोड़ते हुए। देखिए दोस्तों, हमने 2 फंदे वापस छोड़ दिए, हमारे 4 हो गए। इसी हिसाब से सारे फंदे, वीडियो कट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आता। तो स्टार्टिंग से हम एक एक फंदे सारे वीडियो दिखाएंगे। और हमारा बताने का तरीका फ्रेंड, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड। देखिए लास्ट का हम एक फंदा ऐसे चोटी का बना लेते हैं ताकि यहाँ पे एकदम सफाई से अच्छे से आए ये वीडियो। और इसको बनाना फ्रेंड बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी बनता है। आप देखना, मैं वीडियो कट नहीं करूँगी, कितने जल्दी ये बन के कम्प्लीट होता है। ऐसे फ्रेंड फिर से हम वापस 2 फंदे छोड़ देंगे लास्ट में। तो हमारे देखिए 6 फंदे हो गए, 2 2 4 2 6। ऐसे ही हर बार आपको नहीं दिखाएंगे, ऐसे ही हम 2-2 लास्ट तक छोड़ लेंगे। फिर हमारा ये जब छूट के पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2-2, फिर वहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये हमने दोस्तों डोरमेट बनाया, अब इसको थालपोश भी बना सकते हैं ऊन से। देखिए दोस्तों, हमने 2 वापस छोड़ दिए, तो हमारे टोटल 8 फंदे हो गए, 8 हमारे बुनने को बाकी हैं।
तो हर बार फ्रेंड ये दो दो फंदे छूटते जाएंगे। पूरा डोरमेट इसी हिसाब से बनेंगे। हर सिलाई में दो फंदे छूटेंगे, हर बार हम जब आएंगे इस तरफ हर बार दो दो छूटते जाएंगे। देखो दो वापस छूट गए, अब बचे हैं 6 फंदे। वापस मोड़ लेंगे फ्रेंड। हमारे 4 फंदे बचे हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड हमें 2 फंदे और बचे हैं। देखिए ये एक इसको बना लेंगे, उतार लिए, और एक इसको अब यहीं से मोड़ लेंगे। और ये हमारा एक कली बनके रेडी हो गया फ्रेंड। दो दो फंदे सारे छूट गए लास्ट तक। अब हम क्या करेंगे, अब सारे फंदे एक साथ में बुन लेंगे। देखिए एक एक करके इसमें फ्रेंड घटाया बढ़ाया नहीं जाता है, ऐसे ही बनेगा पूरा। और उल्टे तरफ से हम धागा लगा लेंगे दूसरे कलर का। देखिए फ्रेंड हमने लास्ट तक सारे फंदे बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये दूसरा कलर। अब हमें फ्रेंड पूरा सिलाई इसको ऐसे ही पूरा बीन लेंगे। यहाँ पे गांठ मारने से क्या रहता है फ्रेंड कि आप कितना भी धुलाई करो कुछ भी कभी खुलता नहीं है। और ऐसे भी बिना गांठ का भी आप लगा सकते हैं धागा, पर मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो लगा देती हूँ, क्योंकि कभी बाई चांस खुल गया तो हमारा सब मेहनत ख़राब हो जाएगा। सारे फंदे ऐसे बुन लेंगे। और जैसे हमने ये पहली कली तैयार की है ग्रीन वाली, ऐसे ही हम 4 कली और तैयार करेंगे। ये अपना ये पिंक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब, तो फिर हम वापस ग्रीन का लगाएंगे। तो जिसमें हम 3 कली ग्रीन का बनाएंगे और 2 कली हम पिंक का बनाएंगे। तो इसी हिसाब से हम आगे आपको बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने जैसे पहली कली ये बनाई थी वैसे दूसरी बना ली है। अब यहाँ से ये हम फिर से ग्रीन वाला धागा लेंगे और इसी हिसाब से हम 3 कली और बनाएंगे, फिर आपको आगे बना के दिखाते हैं दो दो फंदे छोड़ के।